बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आइडियाज़ बाय दिल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक शॉप पर आया हूँ। एक बहुत ही गरीब सा बंदा था, उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, कैसे उसको रन किया और कितने से स्टार्ट किया, उसके हवाले से मैं आपको उससे मिलाऊँगा भी, उसकी बताऊंगा भी, उसने कैसे घर में अपने बच्चों का खर्चा, कैसे उसने इस बिजनेस से स्टार्ट किया और कितने से स्टार्ट किया। अब मैं मिलाता हूँ उस बंदे से आपको। अच्छा, तो नाज़रीन, ये है मिर्ज़ा इम्तियाज़ साहब। मिर्ज़ा इम्तियाज़ साहब से थोड़ा पूछते हैं, ये जो कपड़े इन्होंने पीछे लगाए हुए, ये देखें आप, ये कपड़े बहुत ही नफीस और खूबसूरत कलर के हैं। और अच्छा मिर्ज़ा जी, ये ऐसे मतलब ये किस तरह आपने मैनेज किया, थोड़े अपने बारे में स्टोरी सुनाए हमें कि किस तरह आप करते थे और किस तरह लाते थे। वैसे तो आपने ये थान में से ना 4 सूट ले लिया, आप थान लेने, थान में से ना 6 सूट। आपने कैसे स्टार्ट किया? मैंने तो कम थोड़े से ना थान लाए थे, उसमें से निकाले फिर ये 4.25 मीटर में ना ये 2 पीस सूट ना, थोड़े पहले कट पीसों से शुरू करता, फिर मैंने थान लेकर आना शुरू किया। ये 4.25 मीटर का ना सूट बांधा है, 24 मीटर का थान होता है 25 का, वहाँ से ना आप 6 में घरों से लेडीज से भी बनवा सकते हैं कम सिलाई से, क्योंकि जो घर में लेडीज होती हैं, फारिग होती हैं, वो ये काम कर सकती हैं। अच्छा, ये मिलता जी, इसका मुश्किल काम नहीं है। इस सूट की कास्ट कितनी पड़ जाती है, एक सूट ये कितने का पड़ जाता है और कितने का मार्केट में फ्रॉक होता है? ये थान पे हिसाब होता है, अगर आप जितना थान लेंगे ना, कम से कम मार्जिन का थान लेंगे तो कास्ट, वैसे तो कपड़ा जिसका 4.25 मीटर, 180 रुपये गज भी मिलता है, 150 रुपये गज भी है, 200 रुपये गज भी है, आप अपने हिसाब से लेंगे या फिर जो लोगों को भी देंगे, लोगों को भी इतना मुश्किल परेशानी ना हो खरीदने में, अपना भी मार्जिन खुद रख लेना, बाकी कपड़ा अच्छा स्टफ अच्छा लगाएंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा, स्टफ थोड़ा सा नहीं मिल। अच्छा, वैसे इस सूट की कास्ट क्या है, एक कितने का एक सूट है आपको तैयार, कितने का मिलता है? ये 400 तक तक बना हो जाता है, 400 तक तैयार हो जाता है, 400 तक। और ये मार्केट में बिकता कितने का है? मार्केट में तो आगे देखो 700-800 का। नाज़रीन आप देख लें, ये 400 का एक सूट ये तैयार करके देते हैं और 700 का ये आगे बिकता है। तो भी दुकानदार ने अपने खर्चात निकालने होते हैं, दुकान का किराया देना होता है, वर्कर के अपने मामला सारे निकालने होते हैं, फिर वो इसीलिए 200-300 रुपया सारी बात दुकानदार को देना। अच्छा, ये हर सीजन का आप मतलब इस तरह सीजन बाय सीजन रहता है कपड़ा उस हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, सीजन के हिसाब से। तो अब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ तक? अभी मैं माशाल्लाह बना के ना बाहर इंग्लैंड यूके में मेरा माल जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नाज़रीन इनका माल यूके तक तैयार होकर जा रहा है और ये खुद मास्टर है मतलब इस सारी स्टिचिंग के, और इन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया था और अब इंग्लैंड तक इनका माल जा रहा है। और इनकी वैरायटी भी देख ले, बहुत ही नफीस और खूबसूरत सी है। आप भी ये कर सकते हैं, आप भी अपने घरों में अपने मिल के मतलब छोटे से छोटे काम को स्टार्ट करके, इनकी जबानी है कि इन्होंने 20 जोड़ों से स्टार्ट किया था कट पीसों से, और ये इतने नफीस इन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं बहुत ही खूबसूरत, और अब ये माशाल्लाह इंग्लैंड तक इनका माल जा रहा है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा जी, टाइम देने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आइडियाज़ बाय दिल।